Assalamu alaikum friends, hopefully you will be fine and enjoying well and welcome to my another video. इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपके इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था। वो ये था कि फ़ाइनल मेरिट लिस्ट कब आ रही है और किस डेट को आएगी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी। तो इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी HEC के नोटिफिकेशन की और उसकी डेडलाइन की, और उसने तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिनके स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का मौका दिया था, उन यूनिवर्सिटीज़ को HEC ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन फ्रेंड्स ये है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये डेडलाइन दे दी है 31 जुलाई की कि इस डेट तक आपने फ़ाइनल मेरिट लिस्ट को बनाकर हम तक पहुँचाना है। अब वो फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगी, उसके अंदर क्या होगा, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेरिट लिस्ट आई हैं उनके अंदर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा जाएगा क्या आपके पास लैपटॉप लेने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें CNIC, जिनमें यूनिवर्सिटी का ID कार्ड, जिसमें एफिडेविट के इसने पहले लैपटॉप लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, इसके अलावा जो मार्कशीट होती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, या ऐसे समझ लें कि जो रिजल्ट कार्ड होता है जिसके अंदर उसके मार्क्स मौजूद होते हैं, क्या उसके पास वो मौजूद है या नहीं। अगर ये तमाम चीज़ें उसके पास मौजूद हैं और वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है तो उसको लैपटॉप 100% मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स जिनके पास इनमें से कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है या उसने पहले ही लैपटॉप लिया हुआ है और इस दफ़ा फिर सिलेक्ट हुआ है तो उसको वो रिजेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी वाले, और उसकी जगह जो वेटिंग जोन में पहले नंबर पर मौजूद है स्टूडेंट उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उससे भी इंक्वायरी की जाएगी इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो कि रिक्वायर्ड हैं। अगर उसके पास भी मौजूद नहीं होंगे तो फिर उससे नीचे वाले को सिलेक्ट किया जाएगा और उससे फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का पूछा जाएगा। इस तरह से एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी पूरी यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद HEC को बजरिया मेल, बजरिया फैक्स या बजरिया जिस तरह से भी वो भेजेंगे, मुनासिब समझेंगे वो भेजेंगे, और उसके बाद HEC एक फ़ाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की वो हम तक पहुंचाएगी, और वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लैपटॉप मिलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, कहाँ होगी, किस डेट को होगी और कैसे होगी, इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हम अगली वीडियो में या बाद में जैसे ही हमारे पास कोई ख़बर पहुंचेगी फिर आपसे शेयर करेंगे। अब तक की खबर ये है कि HEC ने ये तमाम यूनिवर्सिटी को डेडलाइन दे दी है कि 31 जुलाई तक हमारे तक फाइनल लिस्ट पहुंचाएं। अब 31 जुलाई तक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद अनाउंस होगी और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे फिर उनको लैपटॉप मिलेगा, और लैपटॉप किस डेट को मिलेगा फिर HEC जैसे बताएगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।